Students, I am your biology tutor. Today we start grade 10th chapter 2, which name is control and coordination. इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे plant हैं या humans हैं या animals हैं कैसे अपने surroundings के according अपनी body को coordinate करते हैं, control करते हैं, कौन कौन से effect हैं, कौन कौन से characteristics हैं जो show करेंगे जब वो control और coordination करेंगे. इस chapter में हम one by one इसको दो parts में हम पढ़ेंगे. पहले प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन. इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा एनर्जी के साथ. कंट्रोल क्या है बच्चे? जैसे मेरे को कैचअप करनी है किसी चीज, तो मेरी बॉडी का कंट्रोल होना चाहिए मेरे पे. मैंने बॉल को कैच करना है तो मेरे हैंड्स में इतनी पावर होनी चाहिए कि उनको कंट्रोल कर पाऊं या कैच कर पाऊं. उसी तरह ही बॉडी को कोऑर्डिनेट अपने सराउंडिंग्स पे जो भी उसको इफेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी आप उसकी बॉडी को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, उसके अकॉर्डिंग ढलना, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. ये किसकी वजह से हो पाते हैं? बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, जो बॉडी के हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से. प्लांट्स में भी क्या है? चुनिंदा हॉर्मोन्स हैं, 3 और 4 हॉर्मोन्स हैं जिनको क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं या प्लांट हॉर्मोन्स बोला जाता है. इसी तरह हम एनिमल्स में पढ़ेंगे या ह्यूमंस में पढ़ेंगे तो उनका क्या पढ़ेंगे? अलग अलग हॉर्मोन्स पढ़ेंगे वन बाय वन और ड्राइव करते हैं आगे इस चैप्टर को. आपने देखा होगा बच्चे टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको आप टच करते हो तो वो क्या करता है? क्लोज हो जाते हैं उसके फ्लावर्स. छुई में भी बोलते हैं उसको. आगे बच्चे जो हॉर्मोन्स हैं, जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. किसमें? बॉडी में और प्लांट्स में तो ज्यादातर. इसमें काफी जो भी प्लांट इफेक्ट करते हैं, प्लांट मूव तो कर नहीं पाएगा, वो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा बॉडी में वो किसके थ्रू दिखाएगा? हॉर्मोन्स की वजह से. किसकी वजह से? हॉर्मोन्स की वजह से. द प्लांट यूज हॉर्मोन्स इज कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स. जो प्लांट्स हॉर्मोन्स यूज करते हैं उन हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स. और ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करते हैं? बाहर की सराउंडिंग्स को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं या सेंस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं तो हमारी टंग है. टंग क्या करती है? टेस्ट को क्या करती है? जज करती है. हमारी हैंड्स है, हमारी स्किन है, क्या करती है? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर करती है, या मेजर तो नहीं मतलब सेंस करती है कैसा टेम्परेचर है, ठंड है, गर्म है, कुछ भी है. तो जैसे हमारी आईज है, आईज क्या करती हैं? देखती हैं, सब एनवायरनमेंट को देखती हैं. तो उसमें जो ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करते हैं? जो एनवायरनमेंट को जज करते हैं उनके अकॉर्डिंग बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, उनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. आगे बात करते हैं हम पहले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट करता है प्लांट. प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है एनिमल्स की तरह, तो उसने किससे अपना जो भी एनवायरमेंट में स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है, उनको कैसे रिएक्ट करेगा? बाय द हॉर्मोन्स. किसी टेम्परेचर को अगर उसको ड्रोट है, अगर ड्रोट से सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसमें अगर उसको प्लांट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की तो वो कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे अपने सराउंडिंग्स को सिग्नल देगा, कैसे प्लांट सिग्नल देगा दूसरे जो उसके ऑर्गन्स हैं, तो वो किसके थ्रू होगा? बाय द हॉर्मोन्स की वजह से. किसकी वजह से? हॉर्मोन की वजह से. प्लांट में क्या होती है बच्चे? टू मूवमेंट्स होती हैं. पहली कौन सी? ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट. फर्स्ट कौन सा है? ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है बच्चे? डायरेक्शनल मूवमेंट. क्या होती है? डायरेक्शनल. क्या होती है? डायरेक्शनल मूवमेंट.
लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट होती है ये क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं इनको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे जियोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, ये कौन से, इनको डायरेक्शनल की जरूरत है। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन जैसे नेस्टिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है, जैसे हाइड्रोनेस्टी है, कीमोनेस्टी है, इपोनेस्टी, इनको जरूरत नहीं है किसी डायरेक्शन की। ये प्लांट में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। लेकिन जो क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये क्या है, डायरेक्शनल होगी। क्या होगी? डायरेक्शनल होगी। और क्या होगी? ग्रोथ डिपेंडेंट भी होगी। ग्रोथ डिपेंडेंट। लेकिन जो हमारी नेस्टिक मूवमेंट है ये ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होगी, नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट। तो वन बाय वन हम पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट को, इरेज कर देते हैं हम इनको। ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं, पहले आते हैं हम जियोट्रोपिज्म पे। क्या है? जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चे? जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ, ट्रोपिज्म मीन अट्रैक्शन। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। आपने सीड देखा होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सीड के बारे में। जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, सीड है, ये क्या होता है, इसका पार्ट कोटिलीडन्स, कोटिलीडन्स होते हैं। यहां पे एक पार्ट होता है, ये क्या होता है, रेडिकल। ये क्या होता है, प्लिम्यूल। क्या होता है ये? प्लिम्यूल। और क्या, यहां पे सीड कोड होता है इसका। जो प्लिम्यूल पार्ट होता है प्लांट का, सीड का, सॉरी सीड का जो प्लिम्यूल पार्ट होता है, ये क्या बनाता है? शूट। क्या ड्राइव करता है? शूट। और जो रेडिकल होता है वो क्या बनाता है? रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। इसी तरह जो सीड का रेडिकल पार्ट है वो क्या होता है? जियोट्रोपिक होता है। क्या होता है? जियोट्रोपिक। जो किसके अकॉर्डिंग? अर्थ की अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है? टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, या टूवर्ड्स डेप्थ में जाता है। जिसी तरह क्या है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां पे प्लांट है, रफली डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां पे, यहां पे फ्लावर बना दिया। यहां पे क्या है, इसकी रूट्स है। क्या है? रूट्स हैं। तो आपने कभी देखी है कभी रूट्स एयर में जाते हो? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होने वाला। लेकिन जो शूट होती है ये हमेशा क्या होती है? टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द लाइट। इसमें दोनों टॉपिक आपको मैं एक करवा देता हूं इकट्ठे, जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। पहले हम जियोट्रोपिज्म पढ़ लेते हैं। क्या होता है? जो रूट्स होती हैं ऑलवेज किसकी तरफ डिपेंडेंट होती हैं? किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। जो इनकी ग्रोथ होगी ये किसकी अकॉर्डिंग होगी? टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन जो शूट है, शूट ऑलवेज कहां जाएंगी? टुवर्ड्स द सन या टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द सन या टुवर्ड्स द लाइट। तो ये क्या है? फोटोट्रोपिज्म। क्या है? फोटोट्रोपिज्म भी हम देखते हैं यहां पे। फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। प्लांट का लाइट की तरफ अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, जो रूट्स हैं ये क्या है? जियोट्रोपिज्म है। ये अर्थ की तरफ क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं या जाती हैं। तो लेकिन जो शूट है ये क्या होती है? फोटोट्रोपिज्म होती है। क्या होती है? फोटोट्रोपिज्म। तो ये क्या करती है, जो इनकी
जो इनकी शूट हो गई वो किसकी तरफ डिपेंडेबल होंगी, लाइट की तरफ। पहले हम शूट की देख लेते हैं कि शूट कैसे डेवलप करती है खुद को कि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो। क्या आती हैं जो प्लांट के लिए, क्या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन है, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। यहां पे क्या होती है, जो इसकी शूट होती है, जो इसकी शूट होती है इसकी टिप पे, इसकी टिप पे क्या सिंथेसिस होता है, ऑक्सिन। क्या सिंथेसिस होता है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है जो क्या करता है, सेल की इलोंगेशन करता है, सेल को एनलार्ज करता है। तो जब क्या होता है, ये ऑलवेज किसकी तरफ होता है, जब ये प्लांट के शूट में सिंथेसिस होता है, बनता है, तो क्या करता है, जब सन ये क्या करता है, डार्क साइड जाके क्या होता है, सिंथेसिस होता है, जो क्या होगी स्टेम की डार्क वाली साइड होगी, वहां से क्या होगा, सिंथेसिस होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे क्या है, ये मान लिया मेरी शूट है तो क्या होगा, सनलाइट इधर से आएगी शूट पे इस साइड से, और लेकिन ये सिंथेसिस किस साइड से होगा, अपोजिट टू द सनलाइट, सन की लाइट की अपोजिट साइड से। तो क्या होगा, सनलाइट इधर आएगी तो यहां से जो सेल की इलोंगेशन होगी वो किस साइड से होगी, अपोजिट साइड पे, किस साइड से, अपोजिट साइड से। तो यहां पे क्या, अपोजिट साइड के जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और किसकी तरफ बेंड हो जाएंगे, टुवर्ड्स द सन। किसकी तरफ बेंड हो जाएंगे, सन के टुवर्ड्स। इसलिए क्या है, ये फोटोट्रोपिज्म, क्या करते हैं, फोटोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म कैसे है, जो शूट की या रूट की जो टिप होती है वहां पे क्या सिंथेसिस होता है, ऑक्सिन सिंथेसिस होता है। जो रूट टिप्स होंगी वो तो क्या है, डार्क साइड में ही है, तो वहां पे जो ऑक्सिन होगा वो अंडर द अर्थ जाएगा, अर्थ के नीचे या सॉइल के अंदर डिपेंड जाने की कोशिश करेगा। तो क्या होती है, जो शूट्स होती हैं ये क्या होती हैं, या लीव्स होते हैं ये क्या होते हैं, फोटोट्रोपिक। क्या होते हैं, फोटोट्रोपिक। और कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, फोटोट्रोपिज्म। क्या शो करते हैं, फोटोट्रोपिज्म। आपने देखा होगा कभी सनफ्लावर देखा होगा, तो वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द सन अपनी मूवमेंट करता रहता है। सन जोन सी भी साइड जाएगा वहां सन अपने फ्लावर की क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो ये किसकी वजह से, ओनली ऑन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। किसकी वजह, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन की वजह से। इसका एक और आप घर पे भी एग्जांपल देख सकते हो, अगर आपके पास कोई पोट है, कोई गमला है, उसमें प्लांट है, तो अगर उसको आप टिल्ट कर दोगे, मोड़ के उल्टा रख दोगे, तो उसकी जो मूवमेंट होगी शूट की टुवर्ड्स किसकी होगी, टुवर्ड्स द लाइट, जो किसको शो करेगा, फोटोट्रोपिज्म को। और उसकी जो ग्रोथ होगी टुवर्ड्स द अर्थ होगी, टुवर्ड्स द सोयल होगी, वो क्या होगा, जियोट्रोपिज्म। किसको शो करेगा, जियोट्रोपिज्म को। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म की। किसकी, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चे, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मींस क्या होता है बच्चे, वाटर। हाइड्रो जहां पे भी आ गया इसका मतलब क्या है, वाटर है। आपने पानी में सबमर्ज्ड प्लांट देखे होंगे, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो किसमें फ्लोट करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द वाटर की डायरेक्शन में। जिस साइड से क्या होती है, वाटर का फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। तो ये किसकी तरफ, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की, जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल है। इनको और क्या बोलते हैं, टर्गर मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्गर मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा, जो जैसे जो ग्रास के लीव्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ड्रोट की वजह से क्या होते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब इनको पानी की कमी होती है तो क्या करते हैं, टिल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेस्टी। नेस्टी मींस क्या होता है, हमेशा डेफिशिएंसी। क्या होता है, डेफिशिएंसी। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हॉर्मोन्स की। किसकी, हॉर्मोन्स की। हमारे पास हॉर्मोन्स कौन कौन से, ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है, और क्या, जिब्रेलिक है, और साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है। इनके फंक्शन देखेंगे, क्या कौन कौन से फंक्शन है, परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ सिंथेसिस होते हैं,
वन बाय वन हम सबको इलेबोरेट करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन इज ए ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। दे आर प्रोड्यूस इन एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होती हैं? जो अभी बर्ड्स इराइज होने वाली हैं, यंग फ्लावर बर्ड्स हैं, यंग लीव्स हैं और डेवलपिंग सीड्स हैं। द मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सिन कौन सा है? आइडोल 3 एसिटिक एसिड और आइडोल ब्यूटेरिक एसिड इज बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन होता है जो नेचुरली बनता है और सिंथेटिक जो मैन मेड होता है। फंक्शन क्या है ऑक्सिन के? पहला फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? ग्रोथ ऑफ स्टेम रूट एंड फ्रूट्स की। एपिकल डोरिमेंसी, ये क्या है? ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड रीजन, सप्रेस ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ये क्या करता है? जो बर्ड्स अराइज होने वाली हैं प्लांट्स में, जो बर्ड्स किसमें दोबारा बनेंगी, किसमें जाएंगी? फ्लावर्स बनेंगी। तो जो बर्ड्स हैं उनमें क्या होगा? ऑक्सिन सिंथेसिस होगा जो क्या कराएगा? ग्रोथ करवाएगा उनकी। आगे क्या आएगा? रेस्पिरेशन। ऑक्सिन क्या? इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी प्रोसेसेस। ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेशन की रेट को, जो क्या करेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा? देगा किसके लिए? लाइफ प्रोसेसेस के लिए। आगे फ्लावरिंग। इन पाइनएप्पल है जैसे ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग। क्या करता है? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। जितने ज्यादा फ्लावर होंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे? फ्रूट बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्रूट बनेंगे। जब फ्लावर होता है उसका जो ओवरी पार्ट है वो क्या बनाता है? क्या बनाता है? वो फ्रूट। और ओव्यूल पार्ट क्या बनाता है? सीड। क्या बनाता है? सीड। आगे हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन दीज आर आल्सो ए ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन दैट कॉज सेल इलोंगेशन। ये भी क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है। सो फार मोर देन 100 जिब्रेलिन्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। 100 जिब्रेलिन्स क्या है? हमने आइडेंटिफाइड कर चुके हैं। फंक्शन क्या है जिब्रेलिन का? स्टेम इलोंगेशन करता है। जिब्रेलिन्स कॉज इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन ड्राफ्ट वेराइटीज। जो ड्राफ्ट वेराइटीज हैं, जो प्लांट्स बोने रह जाते हैं, उनमें क्या करते हैं? जिब्रेलिन को सिंथेसिस करवाया जाता है या सिंथेसिस होते हैं तो उनकी ड्राफ्टनेस को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। उनके स्टेम को क्या किया जाता है? इलोंगेट किया जाता है, जैसे कैबेज है या शुगर बीट है। लीफ एक्सपेंशन, उनके लीफ के साइज को क्या करता है? एक्सपेंड करता है। लीफ का साइज क्या होगा? एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने से क्या होगा? जो उसके सिंथेसिस होगी फूड की, वो क्या है? बढ़ जाएगी। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? अब ज्यादा करेगा तो फूड क्या बनाएगा? ज्यादा बनाएगा, जिससे क्या होगा? फूड जो प्लांट होगा वो क्या करेगा? इजिली ग्रोथ कराएगा। जो किसके अंडर? उसके डेवलप, उसको क्या करेगा? ज्यादा डेवलप करने में कोशिश करेगा। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है? उनकी एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। डोरमेंसी होता है जो उनकी फर्टिलाइज करने की, जो उनकी ग्रोथ करने की, फ्रॉम सीड टू प्लांट बनने की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो क्या कर देता है? कम कर देता है। उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है डोरमेंसी को। जो जिब्रेलिन्स होते हैं ये ब्रेक करते हैं डोरमेंसी बर्ड्स एंड ट्यूबर्स, बट इन रूट ट्यूबर्स जैसे स्वीट पोटैटो है, द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिंग एसिड इनिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ रूट ट्यूबर। अगर ये ट्यूबर्स की बात करता हूँ, जैसे स्वीट पोटैटो है या पोटैटो है, इनमें क्या करता है? इनकी जो डेवलपमेंट है रूट की, ट्यूबर की, वो क्या करता है? इनिबिट करता है, रोकता है। पार्थिनोकार्पी, जिब्रेलिंग एसिड कज पार्थिनोकार्पिन एप्पल एंड पियर। पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। उनको क्या कर देता है? कज करता है और क्या करता है? फ्लावरिंग करता है। प्रमोट क्या करता है? फ्लावरिंग। लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर अनफेवरेबल शॉर्ट डे कंडीशन। जब लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनको 8 से 10 घंटे तक क्या चाहिए? लाइट चाहिए। उनको क्या करवाता है? ये कम टाइम में भी, अगर टाइम कम है, सनलाइट का टाइम कम मिल रहा है उनको, उनको क्या करवाने में? ज्यादा फ्लावरिंग प्रमोट कराने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं साइटोकाइनिन। कंपाउंड्स दैट कॉज सेल डिवीजन इन प्लांट्स आर कॉल्ड साइटोकाइनिन। ऐसे कंपाउंड्स जो सेल डिवीजन कराते हैं प्लांट्स में, उनको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। मोस्ट नॉन साइटोकाइनाइन्स क्या है? जेटिन। और सिंथेटिक साइटोकाइन क्या है? कैटिन। क्या है? कैटिन, जेटिन एंड कैटिन। ये क्या है? नेचुरल
ये क्या है? सिंथेटिक, फंक्शन देख लेते हैं। सेल डिवीजन हमने ओक्सिन और जिब्रेलिक पढ़ा, ये सेल इलोंगेशन करते हैं, लेकिन जो हमारा साइटोकाइनिन है ये क्या करता है? सेल के डिवीजन करवाता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और क्या करवाता है? डिफरेंशिएशन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड टिश्यू। क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है सेल्स को और टिश्यू को। ये भी ब्रेकडाउन, डोरमेंसी के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इंड्यूस फ्लावरिंग, ये क्या करता है? फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, कम फ्लावरिंग करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, दे रिक्वायर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इनको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड चाहिए कि फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो। आगे बात करते हैं हम इथाइलिन की। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट की राइपनिंग और ट्रांसवर्स ग्रोथ को करता है, एनहेंस करता है। दे मस्ट हैव सीन दैट द राइप एंड इंजर्ड फ्रूट इन अ बास्केट हसन इन द राइपनिंग ऑफ अदर जाव। आपने देखा होगा जो इथाइलिन है, जैसे बनानास हैं या मैंगोज हैं, ये कहाँ है? पहले इनको कच्चा, कच्चे या अनराइपन्ड हैं, जो अभी क्या है, पके नहीं है पूरी तरह से, उनको बाय द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन गैस से क्या कराया जाता है? पकाया जाता है, राइपन्ड किया जाता है। तो क्या करता है? एक तो ये ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, फ्लावरिंग करता है, राइपनिंग करता है फ्रूट्स को, जैसे एप्पल, बनाना और सिट्रस फ्रूट्स में। एब्सिशन, इट एसिलेट एब्सिशन ऑफ एसिडलेट, मतलब एब्सिशन, पत्तों को गिरने नहीं देता है, जल्दी हरा भरा रखता है प्लांट को। आगे बात करते हैं, हमारा लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड, ये भी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये रिटार्ड करता है स्ट्रेस हार्मोन की तरह। ये क्या करता है? इट इनहिबिट सिंथेसिस एंड ओवरग्रोथ हार्मोन। ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस की, ग्रोथ हार्मोन्स को, आरएनए और प्रोटीन की। फंक्शन क्या है इसका? ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इंड्यूस डोरमेंसी, डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। ट्रांसपिरेशन को क्या करता है? कम करता है, क्लोजिंग कर देता है किसकी? स्टोमेटा। तो हमने क्या पढ़े आज? प्लांट हार्मोन पढ़ लिए हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के। आगे हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इन एनिमल्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों आगे हम बात करने वाले हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जो हमें पता है जो नर्वस सिस्टम है बच्चे, ये क्या है? कंट्रोल है, मेन कंट्रोल है, सेंटर कंट्रोल है हमारी बॉडी का, एनिमल्स की। ये किसका किसका नेटवर्क होता है? नर्व सेल्स का और नर्व फाइबर्स का। किसका? नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स का, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स का। इसमें क्या होता है? एक तो ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन द ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट सेंस स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये किसकी फॉर्म में मैसेज सेंड करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। ये इट कोऑर्डिनेट्स अ जनरेशन ऑफ एडुकेट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इमीडिएटली। यह क्या करता है? इमीडिएटली क्या करता है? रिस्पॉन्स को क्या करता है? एडुकेट करता है, मतलब उसको सेंस करता है। इसकी जरूरत क्यों है? टू कीप इंफॉर्म्ड एट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट थ्रू द सेंस ऑर्गन। ये हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें ढालता है या क्या करके रखता है, इंफॉर्म्ड करता है उसको। मान लिया बाहर ठंड है, अगर मेरे बॉडी कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगी तो मैं कैसे अपने आप को प्रिवेंट करूंगा फ्रॉम कोल्ड? अगर मुझे कहीं पेन हो रहा है, अगर कोई पार्ट डैमेज हो चुका है, मान लिया किसी की उंगली कट गई है, अगर उसको कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रही है बॉडी की, वहां से ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम कैसे जज कर पाएंगे हमारी बॉडी का क्या होगा, उससे लॉस होगा। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये रेगुलर कर रहा है हमारी वस्कुलर, वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज को। वॉलंटियर वेस्कुलर एक्टिविटीज कौन सी होते हैं? जो हमारे इच्छा के अनुसार एक्टिविटीज होते हैं, जैसे मार्कर है, मैं कोई सेंट से पकड़ना, मैं पकड़ रहा हूँ वॉलंटरी। इन वॉलंटरी कौन से होते हैं? जो बॉडी अपने आप परफॉर्म करती है फंक्शन, जैसे बीटिंग ऑफ ए हार्ट, रेस्पिरेशन या डाइजेशन, ये सब क्या है? इन वॉलंटरी फंक्शन है। लेकिन ये क्या करती है? वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। टू कोऑर्डिनेट वर्किंग इन वेरियस ग्लैंड्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये किसको कोऑर्डिनेट करके रखती है? ग्लैंड्स को कोऑर्डिनेट करके रखती है, जो बॉडी में क्या है,
परफॉर्म फंक्शन कर रही हैं, टू एनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड टू रीजन। ये क्या करती हैं, हमारी थिंकिंग पावर को और किसको, सोचने की, रिमेंबरिंग की पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मैकेनिज्म क्या है इसका, क्या है मैकेनिज्म, एक रिसीविंग हो, एक प्रोसेसिंग एंड देन क्या है, ट्रांसमिशन। क्या है, ट्रांसमिशन, और उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, रिसीव होगा स्टिमुलाई बाय द सेंस ऑर्गन्स, जैसे स्किन है, किसी गर्म चीज को हाथ लगाया है तो क्या करेंगी, जो सेंसरी नर्व्स होंगी, जो सेंस, जो किससे, हमारे किससे जुड़ी होंगी, सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स जुड़ी होंगी, जो किसके पास जाएंगी, ब्रेन के पास जाएंगी, वहां से क्या करेंगी, मैसेज कोऑर्डिनेट होगा और वो मोटर नर्व्स के थ्रू कहां जाएगा, टारगेट ऑर्गन पे, कहां जाएगा, टारगेट ऑर्गन पे, उसको वो सिग्नल देगा इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में कि आपको यहां से डैमेज हो रहा है या आपको यहां पे अपना हाथ हटा लेना चाहिए, तो वो क्या करेगी, उस तरह अपनी बॉडी क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहां पे सब जो करने वाला है वो कौन है, न्यूरॉन। क्यों है, न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन सेल क्या करती है बच्चे, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, किसका, नर्वस सिस्टम का। सारी स्ट्रक्चर या जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो किसने करने हैं, न्यूरॉन ने करने हैं। द नर्वस सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, किसका फॉर्म्ड होता है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का। ये रिसीव करता है, कंडक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसमें कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन, सेंट्रॉन, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूरॉन का, ये कौन सा पार्ट है, ये क्या बच्चे, साइटोन। क्या है, साइटोन। ये क्या है, एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन। ये क्या बच्चे, डेंड्राइट। क्या है, डेंड्राइट। या सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो क्या सेंस करती हैं, अपने सराउंडिंग्स को सेंस करती हैं सेंस ऑर्गन के साथ। साइटोन इन द सेल बॉडी फॉर्म द मेन फंक्शन, मेन पार्ट है एक्सॉन का, साइटोन न्यूरॉन का। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ये इसके बाद क्या करता है, बाय द एक्सॉन के साथ डेंड्राइड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसके बाद यहां से डेंड्राइड अगले न्यूरॉन के साइटोन के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, जुड़ी होती है। यहां पे एक्सॉन बना देता हूं, इसकी जो नर्व्स होंगी वो कहां जुड़ी होंगी, इसके डेंड्राइट से। एक्सॉन कहां जुड़ा होगा, डेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, द जंक्शन ऑफ वन न्यूरॉन्स डेंड्राइट एंड अदर न्यूरॉन्स एक्सॉन। उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। डेंड्राइट क्या करते हैं, देयर इज अ ओनली वन मैनी ब्रांच, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है थ्रू डेंड्राइट, अ न्यूरोन इज कनेक्टेड टू द नेबरिंग न्यूरोन। ये किससे जुड़ी होती है, नेबरिंग न्यूरोन से। दे आर ए एफरेंट प्रोसेस दैट रिसीव impulse from the other necessary sensory neurons and bring them to cytone. ये क्या करती है, sensory जो impulse आएंगे उनको अगला cytone क्या करेगा,
कलेक्ट करेगा या उसकी इंफॉर्मेशन को करेगा, गेन करेगा। एक्सोन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, न्यूरॉन का। ये क्या करता है, रिसीव करता है इंपल्स को फ्रॉम द साइटोन एंड नेक्स्ट न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन थ्रू इट्स एक्सोन, एंड न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द अदर न्यूरॉन बाय द और टू द मसल फाइबर। ये किससे जुड़ा होता है, या तो न्यूरॉन से या मसल फाइबर से। आगे बात करते हैं हम इसके साइनेप्स के बारे में, क्या होता है जंक्शन इनका, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पार्ट ऑफ कनेक्ट बिटवीन द एंड प्लेट ऑफ एक्सोन एंड द मोटर न्यूरोन टू द सरफेस ऑफ द मसल सेल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें जो हमारा नर्व है ये किससे जुड़ा है, मसल से जुड़ा है, मस्कुलर सेल से जुड़ा है। जो नोब होगी इसकी एंड की टर्मिनल ब्रांचेस की, वो एक्सोन किससे सेपरेट होगा, स्क्लेरेनकाइमा बाय द नैरो स्पेस, उसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक लेफ्ट। टर्मिनल नोब, अगर मैं जंक्शन की बात करूं, साइनेप्स की बात करूं, तो टर्मिनल नोब एक्सोन इज क्लोज एंड टू द एंड ऑफ डेंड्राइट बाय द नेक्स्ट न्यूरोन। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड साइनेप्स। इस दोनों के पॉइंट को क्या बोलूंगा, साइनेप्स बोलूंगा। एट साइनेप्स द टू न्यूरॉन इज सेपरेटेड बाय द नैरो गैप, इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक गैप। जो इन दोनों का गैप होगा यहाँ पे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक गैप। द नर्व इंपल्स फ्रॉम द एक्सोन टू वन न्यूरोन टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरोन पास थ्रू द साइनेप्स एज अ केमिकल मैसेज। यहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स इसको मिलेंगी दूसरे न्यूरॉन को, वो किसकी फॉर्म में मिलेंगे, एज अ केमिकल मैसेज। किसकी फॉर्म में, एज अ केमिकल मैसेज। आगे हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की, कौन कौन सी डिवीजन्स हैं। पहला क्या है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, आगे हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की, क्या है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कौन सा, ब्रेन एंड स्पाइनल को। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ क्या है, ब्रेन हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन बॉडीज। एवरेज अडल्ट में जो ह्यूमन ब्रेन का वेट है वो कितना है, 1.2 केजी से लेकर 1.4 केजी तक। ये किससे फॉर्म तक, काफी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन से फॉर्म्ड होता है। इसमें एक बोनी केज होता है, बोन का बना हुआ एक केज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। और ये किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज से। और ये ब्रेन कवर्ड होता है किससे, मैनिंग से। किससे, मीनिंग से। बिटवीन द मीनिंग्स द स्पेस इज फिल्ड बाय द सेरिब्रोसिनल फ्लूइड। सेरिब्रोसिनल फ्लूइड, सबसे पहले क्या होगा, एक बोनी केज होगा, बोनी केज होगा। उसके बाद क्या होंगे, यहां पे दो, ये बोनी केज है, इसके बाद यहां पे दो क्या होंगी, सेरिनोवियल फ्लूइड्स जहां पे भरा होगा। जो इसको क्या करके रखेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। किससे प्रोटेक्ट करके रखेगी, एक्सटर्नल शॉक से। आगे हम बात करते हैं इनके पार्ट्स कौन कौन से ह्यूमन ब्रेन के। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहला कौन सा है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। हम वन बाय वन पढ़ते हैं, इनके पार्ट्स को पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन के जो फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, वो ओल्फैक्टरी लोब, सेरिबेलम और डायंचियन। वन बाय वन पढ़ते हैं हम। ओल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, ये स्मेल डिटेक्ट करने में, और पूरली डेवलप होता है ये ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि हम ज़्यादा स्मेल को ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकते, एक लिमिटेड तक। लेकिन जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उनमें क्या है, जो ओल्फैक्टरी लोब्स काफ़ी डेवलप्ड है, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे बात करते हैं हम सेरिब्रम की। सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इट इज़ मेनली highly developed in a humans। ये क्या है, highly developed है humans में। Overshadow all parts of the brain, it is a formed by two cerebral hemispheres separated by the deep median longitudinal graves। The two cerebral hemispheres connected to the ventrally by a thick band of nerve fibers called corpus callosum। इसमें क्या है, एक
फंक्शन क्या है इसके, एक तो ये क्या करता है मेंटल एक्टिविटीज को क्या करके रखता है, परफॉर्म करता है, जैसे थिंकिंग का, मेमोराइजिंग का, रीजनिंग का, सेंशनिंग का, ये सब कौन करता है? सेरिबरम. कौन करता है? सेरिबरम. एक सेंसरी सेंसर्स को, जैसे पेन, टेम्परेचर, टच, सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट को कौन में कौन करता है? सेरिब्रम. कौन करता है? सेरिब्रम. सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, हमारी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है. आगे हम बात करते हैं हमारे हिंड ब्रेन की. हिंड ब्रेन में पार्ट्स कौन से आ जाएंगे? सेरिबेलम, पोन वेगुला, पोन वेरोलाई और मेडुला ओब्लिगाटा. इनकी बात करते हैं. सेरिब्रम और सेरिबेलम काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इनको हम देखते हैं. सेरिबेरम और सेरिबेलम, सेरिब्रम क्या करता है? थिंकिंग करता है, रीजनिंग, स्टोरिंग करता है इंफॉर्मेशन की. उसी तरह सेरिबेल, सेरिबेल, बेल मींस बैलेंस, बेल मींस बैलेंस, यहां से याद रखने के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए, बैलेंस, ये बॉडी को बैलेंस बैलेंस बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है, इसके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ब्रेन बट मच स्मॉलर देन अ सेरिब्रम. सेरिब्रम से काफी स्मॉल होता है सेरिबेलम. इट लाइज द रियर ऑफ द सेरिब्रम पार्टली ओवरलैप्ड बाई इट. इससे क्या होता है? सेरिब्रम से ओवरलैप्ड होता है. इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ ए वॉलेंट्री मसल्स. ये किसको कंट्रोल? वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करके रखता है. इट इज द कंट्रोल बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रम बाई वॉकिंग एंड जंपिंग. जब वॉकिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं उस टाइम पे बॉडी के इक्विलिब्रियम को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है. आपने देखा होगा जब कोई पर्सन है ड्रिंकिंग करता है तो अच्छे से चल नहीं पाता, चल नहीं पाता था उसका कौन सा, जब वो ड्रिंक करता है तो जो अल्कोहल है वो किस पार्ट को डैमेज करती है? उसके सेरिबेलम को, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाता अपनी बॉडी का. पोन्स फेरोली, इट लाइज अंडर द सरफेस ऑफ सेरिबेलम. इट ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू द सेरिबेलम टू अदर. कोऑर्डिनेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द टू टू साइड्स. दोनों साइड के जो मस्कुलर मूवमेंट है उनको कंट्रोल करके रखता है. आगे हम बात करते हैं मेडुला ओब्लिगाटा की. मेडुला ओब्लिगाटा की है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का. ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? बेस पे. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन की स्टेम भी बोलते हैं. ये कंट्रोल करके रखता है इनवॉलंटरी फंक्शंस को, जैसे पैरासिटिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट बीट, ब्रीथिंग मूवमेंट, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लिगाटा. कौन कंट्रोल है? मेडुला ओब्लिगाटा. स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, इनको सबको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लिगाटा.